जफराबाद के पूर्व बसपा प्रत्याशी संतोष कुमार मिश्रा उर्फ राजा साहब की खतरनाक प्लानिंग। योगी की पुलिस ने किया फेल, राजा साहब के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। राजा साहब के दो साथी गिरफ्तार, राजा साहब की तलाश में जुटी पुलिस। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने की कार्रवाई। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, जफराबाद विधानसभा के पूर्व बसपा प्रत्याशी संतोष मिश्रा की तलाश में आजमगढ़ की पुलिस लगी हुई है। पुलिस राजा साहब की तलाश में क्यों जुटी है और उन्होंने ऐसा क्या अपराध कर दिया है वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उसके पहले जरा आपको संतोष मिश्रा उर्फ राजा साहब के बारे में बताते हैं। अधिकांश लोग उन्हें जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो लोग इस तस्वीर को देखकर आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि राजा साहब का रुतबा क्या था। ये तस्वीरें 2022 के विधानसभा चुनाव की हैं। आजमगढ़ में एक कॉलेज के प्रबंधक संतोष मिश्रा को बसपा ने जफराबाद विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया था। कई गाड़ियों के काफिले के साथ गनर को लेकर राजा साहब ऐसे क्षेत्र में निकलते थे जैसे उन्हीं की जीत निश्चित है। लेकिन लड़ाई में राजा साहब पहले तो क्या दूसरे स्थान पर भी नहीं रहे। हार के बाद राजा साहब वापस अपना कॉलेज चलाने गए और बन गए ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष। राजा साहब प्रदेश अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन साहब के सिर से सरकारी गनर लेकर घूमने का जो खुमार चुनाव में चढ़ा था वो नहीं उतरा। चुनाव के बाद जब राजा साहब के पास सरकारी गनर नहीं रहा तो राजा साहब ने सरकारी गनर हासिल करने का एक शातिर प्लान बना डाला। राजा साहब ने अपने दो कर्मचारियों के साथ प्लान की स्क्रिप्ट लिखी और उसकी फिल्म बनाने में जुट गए। राजा साहब ने अपने ही कर्मचारी से खुद को धमकी भरा फोन करवाया और पुलिस को बताया कि उनसे 10 लाख की रंगदारी मांगी गई है। राजा साहब अपनी स्क्रिप्ट के मुताबिक ही चल रहे थे। उन्हें लगा कि उनकी ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी, लेकिन उन्हें क्या पता था यहाँ पुलिस योगी की है, जो फिल्म रिलीज होने के पहले ही उसका ट्रेलर देखकर फिल्म पर रोक लगा देगी। पुलिस ने राजा साहब की तहरीर को गंभीरता से लिया और जांच कर धमकी देने वाले राजा साहब के दोनों प्यांदों को धर दबोचा। खुद की जान आफत में आते देख दोनों ने राजा साहब की पूरी स्क्रिप्ट का खुलासा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने संतोष मिश्रा उर्फ राजा साहब और उनके दो साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दोनों साथी तो सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, लेकिन राजा साहब अभी फरार हैं। पुलिस का दावा है जल्द ही वो भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। थाना गंभीरपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 408/22 धारा 195 व 120B का संतोष कुमार मिश्रा, संदीप सिंह व राहुल त्रिपाठी के विरुद्ध कायम किया गया है। संतोष कुमार मिश्रा एक स्कूल के प्रबंधक हैं व इनके द्वारा 9 तारीख में पुलिस को सूचना दी गई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनसे 10 लाख की रंगदारी मांगी गई है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा 386 IPC का मुकदमा कायम किया गया था। पुलिस ने जब इसकी छानबीन करी तो ये प्रकाश में आया कि सरकारी गनर पाने के लिए संतोष कुमार मिश्रा द्वारा अपने ही कर्मचारी और परिचित व्यक्तियों से अपने आप को फ़ोन कराया गया था। इस प्रकरण में संदीप सिंह व राहुल त्रिपाठी की गिरफ्तारी की गई है और शीघ्र ही संतोष कुमार मिश्रा की भी गिरफ्तारी की जाएगी।